हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है विस्टा और लिनिया के ECMs, तो स्टॉक अवेलेबल है। और ये J10 J20 बनने के बना कर रखते हैं हम लोग। यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। 2001 का रेजिस्टेंस लगता है। और यहाँ का ज़रा साइड देना, यहाँ का IC निकालने का ज़रूरत नहीं रहता। बहुत से लोग निकाल देते हैं IC निकालने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना फ्यूज़ है यहाँ पर, ये फ्यूज़ जो है आपको निकाल देना पड़ता है। थोड़ा एक साइड का उठा कर काम कर लेना, बाकी के ये तो पिनोट्स है ही है। आपको पिनोट्स कैसा मारना इससे पहले वीडियो में भी बताया मैंने। ये जो है रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है 2001 का, जब आपको पावर स्टीयरिंग जो है फ्री होती, नहीं तो पावर स्टीयरिंग आपको काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर डाटा अगर IC निकालने के बाद नहीं चढ़ रहा तो आपको अलग अलग डाटा चढ़ाना पड़ेगा। लगा दो कनेक्शन। हो गया ना? हेलो, आपको माइक्रो पहले चढ़ाना, उसके बाद EEPROM चढ़ाना पड़ेगा। अगर कंप्लीट डाटा चढ़ाने जाएंगे तो फिर वो फ्लैश AC है ना, फ्लैश AC रोक देती है डाटा चढ़ाने के लिए। तो फ्लैश AC निकालना करना उसका झंझट ही ख़त्म। बहुत सारे लोग क्या है, फ्लैश AC निकालने जाके हीट मारते तो नीचे के साइड में, एक सपोज के लिए बताऊंगा, अब ये फ्लैश AC है, यहाँ पर ये निकली हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको हीट मार देते हैं, ज़्यादा हीट मारने की तरफ से ये MCU पर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो हमको फ्लैश AC निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मारना है सेकंड वाले में, जैसा कि इन्होंने मारा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पिनोट्स मारना है। यहाँ पर आपको पिनोट्स भी मैं बता दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला फर्स्ट रेड वाला वायर लगाना, उसके बाद एक छोड़ के इसमें यहाँ पर सिक्स्थ वाला लगाना, फिर यहाँ से फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाले में एट वाला लगाना, उसके बाद उसके बाजू सेवन वाला लगाना, फिर एक छोड़ के यहाँ पर लास्ट से सेकंड वाला जो है यहाँ फिफ्थ वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है,